आज हम बाल विकास के प्रश्न कराने वाले हैं जो कि ओल्ड पेपर यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बाल विकास यानी विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है। तो पहला ऑप्शन है किशोर अवस्था, दूसरा है शेष अवस्था, तीसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था या माध्यमिक बाल्यावस्था। बताएं ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं। तो हार्मोन पर संबंधी परिवर्तन होते हैं तो कहीं ना कहीं बालक बड़ा होगा, तो इसका आंसर है किशोर अवस्था। और किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। कितनी? 12 से 18 वर्ष किशोर अवस्था मानी जाती है। तो इसका जो आंसर है किशोर अवस्था। अगला क्वेश्चन, कथन ए, कथन ए, भाषा विकास केवल शेष अवस्था के दौरान होती है और इसलिए केवल शेष अवस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए। आर तर्क देता है शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता। सही विकल्प चुनें। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों गलत होते हैं। इसका डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है? विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। संज्ञानात्मक विकास पूर्णता अनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होता है। विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है। विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित होते हैं। बताएं इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है सभी, यानी डी इसका सही आंसर होगा। सभी विकास के वक्तव्य सही हैं। अगला क्वेश्चन है बीजगणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित हैं और बीजगणितीय कथन आलेखित करते हैं, प्रारंभिक पाठ्यचर्या का एक भाग है। इस विचार का आधार है कि किशोर अवस्था के छात्र कौन सा कार्य करने में सक्षम हैं। अमूर्त चिंतन, मूर्त पदार्थों के साथ निश्चित क्रियाएं, श्रेणीबद्ध कार्य, वर्गीकृत कार्य। बताएं इसका आंसर। बीजगणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित हैं और बीजगणित कथन आरेख करते हैं, प्रारंभिक पाठ्यचर्या का एक भाग है। इस विचार का आधार है कि किशोरावस्था छात्र कौन सा कार्य करने में सक्षम है। तो मूर्त पदार्थों के साथ निष्क्रिय सक्रिय, निश्चित सक्रिय करने में सक्षम है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन से चार तत्व को प्रभावित करते हैं? परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव, संतुलनता या फिर भाषा, संस्कृति,
सामाजिक प्रभाव, सम आयु वर्ग, सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन, प्रस्तुतिकरण एवं दंड हटाया जाना, यह अनुवेशन, ध्यान, अवरोधन, स्मृति। बताएं इसका आंसर। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन से चार तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? तो परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव, संतुलनता। ये चार तत्व हैं वो विकास को प्रभावित करते हैं पियाजे के अनुसार। ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की व जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या है? लेव वाइगोत्स्की व जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या है? बच्चों की अर्थ रचना की प्रक्रिया में भूमिका, वस्तु निष्ठ रचनात्मक, बच्ची को सक्रिय निष्क्रिय कार्यकर्ता के रूप में, भाषा व सोच के बीच संबंध, सीखने की प्रक्रिया की समझ, सरल व जटिल। बताएं इसका आंसर। लेव वाइगोत्स्की व जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या है? तो इसका जो आंसर है वो है, बच्चों को सक्रिय निष्क्रिय कार्यकर्ता के रूप में, वाइगोत्स्की और जीन पियाजे में दोनों मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है। तो इसका आंसर बी, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की का विश्वास था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की स्मृति में तथ्यों को ठूंसना है, विद्यार्थियों को तथ्य याद कराना है, तो ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, बच्चे मुख्यतः अकेले काम करके और संज्ञानात्मक अवधारणाओं की खोज करके सीखते हैं। अगला पढ़ते हैं, अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है। अधिगम मुख्यतः तब होता है जब बच्चे किसी प्रतिक्रिया से कोई उद्दीपक जोड़ते हैं, कोई उद्दीपक, ये भी गलत। तो इसका जो आंसर है, अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोग प्रक्रिया, सहयोग देना वाइगोत्स्की के अनुसार सबसे सही आंसर माना जाता है। इन्होंने कहा था कि बच्चा वयस्क समवयस्क यानी माता पिता मित्र मंडलियों से यह सीखता है ज्ञान। तो सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा सही है? विकल्प, वे पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते, वे नैतिक विकास के छह स्तरों को चरणों में समेटते हैं, उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया। तो इसका सी आंसर इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? उपदेशक होना चाहिए व सदा कक्षा को नियंत्रण में रखना चाहिए। तो ये गलत हो। छात्रों के पूर्व ज्ञान व अनुभवों को महत्व देना चाहिए, सही है। केवल वह उत्प्रेरक पर बल देना चाहिए, ये भी गलत। छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए, तो सही है। दूसरा और चौथा ऑप्शन कौन सा है? बी। बी आंसर इसका सही है, आंसर बी इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए? वह कार्य जो विद्यार्थी नहीं कर सकता, दूसरों की तुलना में विद्यार्थी का प्रदर्शन,
तीसरा, विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा का विस्तृत ब्यौरा, या फिर उपयुक्त उपनाम जैसे मंद बुद्धि, कुशल बुद्धि इत्यादि से विद्यार्थी का उल्लेख। बताएं मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए। दूसरों की तुलना में विद्यार्थी का प्रदर्शन, दूसरों की तुलना में विद्यार्थी का प्रदर्शन ये करना चाहिए मूल्यांकन में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। विद्यार्थियों के प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों में शिक्षार्थियों के अंकों से तुलना, या फिर विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावनात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति। तो इसका आंसर बी इसका सही आंसर बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पालन पोषण व देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चित्रण किसका उदाहरण है। तो यह जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। किसका? जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। किसी स्त्री को बढ़ावा देना या पुरुष को केवल, तो यह जेंडर पक्षपात का उदाहरण होता है। बीच का सही आंसर। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है। उनकी प्रत्यास्मरण की योग्यता के परीक्षण द्वारा, या उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा, या उनकी नकल करने की गति माप द्वारा, उनकी वर्तनी की शुद्ध परिशुद्धता की गणना द्वारा। बताएं इसका आंसर। तो विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए, तो उनकी प्रत्यास्मरण की योग्यता के परीक्षण के द्वारा करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, लेब वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता। तो अधिगम को प्रभावित लेब वाइगोत्स्की के अनुसार पाढ़, भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया। इस पर तो लेब वाइगोत्स्की ने सर्वाधिक कार्य किया था, लेकिन अनुक्रिया उद्दीपक पर एक मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक, जिनका नाम था थॉर्नडाइक, इन्होंने कार्य किया था। तो इसका जो आंसर है ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नहीं है। बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है। बुद्धिमत्ता के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियां आती हैं। बुद्धि अनुवांशिक व पर्यावरणीय कारकों के जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। प्रेरक परिवेश प्रकार करके बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बताएं इसका आंसर। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता ये नहीं कहा था। तो आंसर इसका ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, हाशिए पर रहने वाले समुदायों से पहली बार स्कूल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षिका कैसी मदद करती है, कर सकती है। उसको स्कूल के बाहर
निजी ट्यूशन रखने को कहना, ये तो गलत है। दूसरा, उपयुक्त पाठ देकर कक्षा में उसकी भागीदारी को बढ़ावा देना। अगला पढ़ते हैं, उन्हें बहुत से जटिल कार्यपत्रक गृह कार्य में देकर उनमें असफलता का भय पैदा करके जिन्हें स्वयं मेहनत करना। तो आंसर इसका बी इसका सही आंसर, क्योंकि उपयुक्त पाठ देकर जो सामग्री है उसको उपयुक्त सामग्री देकर उसको भागीदारी का बढ़ावा देना, ये सबसे बेस्ट आंसर। तो आंसर इसका बी। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों का वियोजन या विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट शिक्षा या फिर विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों को बिना विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के स्तर पर लाना। तो इसका यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को सामान्य स्कूल शिक्षा में शिक्षा पाने का हक मिले। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी को समान शिक्षा कराना। इसका डी इसका सही आंसर है, सभी को एक ही कक्षा में शिक्षा प्राप्त की जाए उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं, कोई भेदभाव के नहीं। तो डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा क्या मांग करती है? समावेशी शिक्षा क्या मांग करती है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठ्यचर्या में लचीलापन, विद्यार्थियों की क्षमताओं के आधार पर पृथक्करण, सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या, विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा की प्रबंधन। बताएं इसका आंसर। तो समावेशी शिक्षा क्या मांग करती है? तो समावेशी शिक्षा मांग करती है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठ्यचर्या में लचीलापन, ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पठन वैकल्प वाले विद्यार्थियों की पहचान किन अभी लक्षणों द्वारा की जा सकती है? शब्दों की पहचान, विसंकेतन और वर्तनी में संघर्ष, ध्यान न केंद्रित कर पाना अति सक्रिय संवेगशील। बताएं, मांसपेशियों के संचालन गति व समन्वय में कठिनाई। तो पठन वैकल वाले विद्यार्थियों की पहचान अभी लक्षणों द्वारा की जा सकती है, किसके द्वारा? ध्यान न केंद्रित कर पाना, अति क्रियाशीलता, आवेगशीलता। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान नहीं है? निरंतर प्रवीण अभिमुखीकरण व्यवहार, समकक्षियों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल व परिपक्वता, स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान बौद्धिक जिज्ञासा। तो निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान नहीं है? तो वो है समकक्षियों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल व परिपक्वता। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पौधों पर चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि कई बच्चों को इस संकल्पना के संबंध में भ्रांतियां हैं। इस संदर्भ में शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए और समझ का दोबारा निर्माण करना चाहिए। ऐसी भ्रांतियां पालने के लिए विद्यार्थियों को सजा देनी चाहिए। सजा देना ये गलत है। स्पष्ट रूप से भ्रांतियों की ओर संकेत करना चाहिए और याद करने के लिए, ये भी गलत है।
विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से तुच्छ नामीकरण करना चाहिए और उन्हें विशिष्ट शिक्षा के लिए अनुमोदित करना चाहिए। तो डी से बेस्ट है ए आंसर, इसका करेक्ट आंसर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए एक अध्यापक कक्षा में कई समाचार पत्र लेकर आती है। इन सभी में एक विशेष खबर का उल्लेख है और अधिगमकर्ताओं को समूह में चर्चा करने को कहती है। तर्क आर है, माध्यमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकें ही ज्ञान का एकमात्र माध्यम हो सकती हैं। सही विकल्प चुनें। तो इसका जो आंसर है ये सही है, लेकिन आर गलत है, सी इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन, माध्यमिक स्कूल के शिक्षक को विद्यार्थी की त्रुटियां उसे बतानी चाहिए, उसकी असफलता बताने के लिए विद्यार्थी की त्रुटियां पूरी कक्षा को बतानी चाहिए। तो ये गलत है, पूरी कक्षा को क्यों बतानी चाहिए, उसे अपमानित करना चाहिए, अपमानित करना ये गलत है। विद्यार्थी को मौके मुहैया करवाने चाहिए कि वो अपनी त्रुटियां पहचान कर उन पर काम करे। तो सबसे बेस्ट आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्या प्रतिस्पर्धा के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ, इससे समकक्षियों के प्रदर्शन की तुलना में मदद मिलती है। नहीं, इससे कक्षा में नकारात्मक लोकाचर को बढ़ावा मिलता है। हाँ, इसे विद्यार्थियों को दूसरों से बेहतर करने को अवसर मिलता है। तो इसका सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं की जरूरत पड़ती है? प्रयोग के चरणों का विवरण, समस्या समाधान की अपनी रणनीतियाँ, प्रचिंतन, गणितीय संक्रिया की नियत प्रणाली का दोहराव, या पाठ्यपुस्तकों में दी गई विभिन्न घटनाओं की परिभाषाओं का स्मरण, बताएं इसका आंसर। तो निम्नलिखित में से किसमें अधिसंज्ञान क्षमताओं की जरूरत पड़ती है? समस्या समाधान की अपनी रणनीतियां, प्रचिंतन, बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती? पूछताछ को हतोत्साहित करके, अनुरूपकों के इस्तेमाल को निषेधित करके, चुनौतियों से बचने के लिए सारे हल उपलब्ध करवाकर, विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीकों के सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करके। तो एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है? पूछताछ को हतोत्साहित करके, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं जब शिक्षिका पढ़ाती है। संसाधन केवल दिखावे के लिए होते हैं। बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं। आकलन को अधिगम से परे एक अलग गतिविधि के रूप में किया जाता है, बताएं इसका आंसर। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं जब शिक्षिका पढ़ाती है। तो निष्क्रिय ये गलत है। केवल संसाधन केवल दिखावे ये भी गलत है। बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं।
अगला देखते हैं, आकलन को अधिगम से परे एक अलग गतिविधि के रूप में, तो ये भी गलत है। आंसर इसका सी, करेक्ट आंसर सी, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक सार्थक अधिगम तथा विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कारक सार्थक अधिगम तथा विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? शिक्षकों का विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास, बेहद प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा संस्कृति जिसमें व्यक्तिगत उपलब्धि पर बल हो, तो ये गलत। ऐसे वातावरण जिसमें प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए डर शर्मिंदा, ये भी गलत। समस्या समाधान के हर चरण में भौतिक इनाम देना, ये भी गलत। तो आंसर इसका ए, करेक्ट आंसर ए, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करेगा? गर्व, आनंद, उम्मीद, बोरियत, बताएं इसका आंसर। कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करेगा? तो बोरियत कौन सी करेगी? कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करेगा? तो बोरियत हतोत्साहित करती है संवेग में। अगला क्वेश्चन, यदि छात्र आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप उन्हें अनदेखा करेंगे, क्या करेंगे? अनदेखा, गलत। कक्षा छोड़ देंगे और उनके माता पिता को शिकायत करेंगे, ये भी गलत। उन्हें ध्यान न देने के लिए दंडित करेंगे, ये भी गलत। अपनी शिक्षण विधियों पर चिंतन करेंगे और वैकल्पिक विधि का प्रयोग करेंगे, ये सबसे बेस्ट आंसर, करेक्ट आंसर डी। तो आप लोग माइंड 5 अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं दीपक सर प्रतिदिन आपकी क्लास लेता हूँ, सीटेट की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है माइंड 5 अकेडमी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर देना। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को हमारा धन्यवाद और नमस्कार।